हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीप भट्ट और आज मैं आप लोगों को ले आया हूं 400 kV GIS सब स्टेशन में। आप देख सकते हैं यहां पर दो प्रकार के ब्रेकर यूज़ हुए हैं, एक NHVC कंपनी मेड है और दूसरा आपका योशुंग नाम से जो चाइनीज़ कंपनी है। 400 kV साइड में जो NHVC कंपनी जो कि न्यू नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक ग्रुप हाई वोल्टेज स्विच गियर को लिमिटेड है, तो इसमें आप देख सकते हैं जो रेटिंग है आपकी 1675 kV रेटेड लाइटिंग इम्पल्स है, रेटेड वोल्टेज 550 kV, रेटेड फ्रिक्वेंसी तो 50 आपको पता ही है जो इंडिया में होता है। NHVS कंपनी का जो सर्किट ब्रेकर है इसमें जो गैस वॉल्यूम पर पोल है वो 1930 DMQ है और मास पर पोल 1850 kg, फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर 1.3, रेटेड जो गैस प्रेशर है 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो मिनिमम जो रेटेड फिलिंग प्रेशर है वो 600 kPa। SF6 गैस रिफिल अलार्म 1 आपका 560 पे आ जाएगा और जबकि अलार्म 2 आपका जो आएगा वो 540 kPa पे आएगा। सर्किट ब्रेकर ब्लॉक कंडीशन 520 kPa। अभी फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको लाइन ब्रेकर की जो रेटिंग है वो बता देता हूँ, अभी देखेंगे आगे, अभी क्लोज कंडीशन में। तो दोस्तों, बी पोल की मैं रेटिंग ले लेता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं आप, ब्रेकर जो है ये क्लोज कंडीशन में है, ये इसका सर्किटरी और जो आपका काउंटर होते हैं, काउंटर रीडिंग वगैरह आप यहाँ से भी अंदर से ऑपरेट कर सकते हैं। इस GI सिस्टम में जो गैस फिल किया जाता है SF6 गैस, तो इसमें आप देख सकते हैं यह जो ब्रेकर है दोस्तों, यह ह्यूसन कंपनी द्वारा मेड SF6 टाइप सर्किट ब्रेकर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम प्लेट में टाइप 420 SCV और 50 जो आपको दिखा रहा है वो फ्रिक्वेंसी शो कर रहा है। ओपनिंग टाइम ब्रेकर का जो ओपनिंग टाइम है वो 18 मिली सेकेंड है और जो क्लोजिंग टाइम है वो आपका 120 मिली सेकेंड है, क्योंकि क्लोज होने में आपको ज़्यादा समय लगता है और ट्रिपिंग में अर्जेंटली ट्रिपिंग होना चाहिए लाइन वगैरह में ब्रेकर में, इसलिए 18 मिली सेकेंड रखा जाता है। इसके अलावा जो आपका है रेटेड शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट वो आपका 50 kA और रेटेड कंटिन्यूस करंट 2000 एम्पीयर का जो है और 3 फेज 450 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज इसका। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।